अमला ने कुछ कहा है? बताते क्यों नहीं हो मुझे? हमीद भाई ने कुछ कहा है? मत नाम ले उस हैवान का जिसने हमसे हमारी मासूमा को छीन लिया। तमाशा तो अब शुरू होगा। तुम्हारी शक्ल मुझे बता रही है कि तुम मेरे मुजरिम हो। बहुत लिहाज कर लिया तुम्हारा, खत्म करो ये। तुम अंदर जाओ। ये कहाँ जाएगी? मुन्ना, कल से फोन कर रही हूँ तुम्हें, फोन क्यों बंद किया हुआ था अपना? मैं तो, मोमिना क्या हुआ है? ये बैग क्यों तुम साथ लाई हो? मासूमा कहाँ है? मोमिना खुदा के लिए कुछ बोलो, भी रो क्यों रही हो? देखो मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे खुदा के लिए बताओ क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो इतना? अमला ने कुछ कहा है? बताते क्यों नहीं हो मुझे? हमीद भाई ने कुछ कहा है? मत नाम ले उस हैवान का जिसने हमसे हमारी मासूमा को छीन लिया। वो दरिंदा, वो कातिल जिसने छीन लिया हमसे हमारी मासूमा को, वो हमीद ही है। 300 साल से जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जो हमारे साथ मिलके ढूंढ रहा था, वो खुद कातिल है। मेरे गुस्से में वो चीख चीख के बोल रहा था कि वही है। कितनी अजीबनाक बात जिसने मेरी बहन को दी, वो हमीद दी है। कितना भरोसा किया था हमने अपने उन लोगों पर, उसी ने छीना है मेरी बहन को, आपकी बेटी को उसी ने छीना है। अल्लाह से नहीं माफ करेगा, अब मैं आप पे माफ नहीं करेंगे, आप उसे नहीं छोड़ेंगी। वादा करें अम्मी, आप उसे नहीं छोड़ेंगी। उसे नहीं छोड़ रहा, मासूमा को हमसे दूर करने वाला वो ही अम्मी। मैडम फरहान साहब तो ऑफिस में इस वक्त नहीं है। आपके लिए जूस या कॉफी वगैरह लाऊं? नहीं, आप जाइए। मी आखिर बेला में बुराई क्या है? मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। मुझे तो पसंद है ना मी। फरहान, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अम्मी मैं बेला के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। बेटा शादी के लिए सिर्फ मोहब्बत जरूरी नहीं होती, अरे और बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अम्मी मुझे बेला के अलावा किसी दूसरी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे तो पड़ता है ना फर्क। आप जो भी कहें अम्मी, मुझे बेला से ही शादी करनी है। बस फरहान, अब मैं बेला का नाम तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। बंद करो इस टॉपिक को, ना कह दी ना तो बस ना। मैं तुम्हारे ऑफिस में हूं, जल्दी पहुंचो। ये मीम हुआ क्या? तुम आओ फिर बात करते हैं। अरे मैं बताया तो सही, हुआ क्या है? फरहान मैंने कहा ना, तुम आओ फिर बात करते हैं। ठीक है मैं आता हूं। छीन लिया हमसे हमारी मासूमा को, वो हमीद ही है। 300 साल से जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जो हमारे साथ मिलके ढूंढ रहा था, वो खुद कातिल है। मेरे गुस्से में वो चीख चीख के बोल रहा था कि वो ही है।
ये सब क्या हो रहा है? और कहाँ गए थे तुम? लंच करने गए था मैं। वो तो मैं देख चुकी हूँ, तुम किसके साथ लंच करने गए थे। और वो बच्चा कौन था जो तुम्हारी गोद में था? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, जो लड़की मेरे साथ थी वो बेला ही थी, और वो मेरी बीवी है, और वो बच्चा मेरा बेटा है। फरहान, ये क्या कह रहे हो तुम? देखिए मैं, आपको बेला की किस बात से एतराज है? यही ना कि उसके खानदान के साथ अजीब अजीब सी बातें चुड़ी, और जो कुछ सवेरे के खानदान में हो रहा है क्या वो कम है? लेकिन आपको पोता चाहिए था ना, जो पोता आपको सवेरा 3 साल में नहीं दे सकी वो पोता आपको बेला ने दे दिया। लेकिन फरहान, लेकिन कुछ नहीं अम्मी, जो कुछ भी उनके घर में हो रहा है ना, क्या आप उस बदनामी का सामना कर पाएंगी? अम्मी कहाँ जा रही हैं? आ रही हूँ। अच्छा नहीं किया मान तुमने, इस तरह उसे घर से निकालना नहीं चाहिए था। किस तरह की बातें कर रही हैं आप अम्मी, किस तरह की बातें कर रही हैं? इतने दिनों से तो उसने तमाशा घर में लगा रखा था, इस बात की गुंजाइश रह जाती है? अपनी बच्ची का हाल देखो, घर की बात थी हम घर में सुलझा लेते। क्या सुलझा लेते? हाँ क्या सुलझा लेते? उसने आपसे और पापा पे इतना बुरा इल्जाम लगाया। मान, अगर उसने अजरा से जाके कुछ कह दिया, अगर ये बात घर से बाहर निकल गई, खुद ही सोचो कितनी बदनामी होगी। अजरा क्या कुछ नहीं करेगी। हज़रा आंटी उसकी किसी फजूल बात में नहीं आएंगी, तो सिर्फ ये सोच के पागल हो रहा हूँ कि इतनी अजीब बात उसके दिमाग में आई कहां से। उसने आपको भी शामिल कर लिया इसमें? हाँ, पता नहीं क्यों मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए? उसने क्या किया मेरे साथ? जो भी कह दो तुम, इस तरह घर से निकालना नहीं चाहिए था तुम्हें। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। मुझे तो है, बहुत है। फूमा, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। तंग आ गया हूँ चीज से, मैं चीज से तंग आ गया हूँ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, चुप कर जाओ। अम्मी किधर है आप? मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आप मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही हैं। मोमिना का नंबर भी बंद जा रहा है, आप सबको हुआ क्या है? हमें क्या होना है, कुछ भी तो नहीं। तो अम्मी मोमिना का नंबर क्यों बंद है? वो भी मुझसे बात नहीं करी। मुझे नहीं पता, तुम बताओ तुम इतनी परेशान क्यों हो? पता नहीं अम्मी, पता नहीं मुझे क्या हुआ है। बेटा मुझे कुछ बताओ तो सही। पता नहीं अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। रो क्यों रही हो सवेरा?
सब ठीक तो है ना? अम्मी, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ बताओ। उसे ढूंढने के लिए आई थी, मासूमा को घर में तुमने छुपाया हुआ था। बस करो, क्या क्या तुम्हारा, मुझे पता तुमने घर में छुपा था, तुमने झूठ बोला था। बात करो, ये मेरी बच्ची का कातिल है। खुदा के लिए तमाशा मत लगाओ, तुम्हारी बेटी ने झूठ बोला। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती है। अम्मी, तमाशा तो अब शुरू होगा। तुम्हारी शक्ल मुझे बता रही है, तुम मेरे मुजरिम हो। तुम्हारा खत्म करो, ये तुम होती कौन हो लिहाज करने वाली? एक दफा अपने आप को मेरी जगह रख के सोचो कि मेरी बच्ची की जगह तुम्हारी बच्ची होती तो तुम क्या करती? और याद रखना, ऐसे शख्स अपने घर के अंदर भी। बस कीजिए, बस कीजिए, आवाज नीची करो, आवाज नीची करो। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने क्या किया मासूमा के साथ? उसकी जान ले ली थी, उसको कत्ल कर दिया। ये मेरी बेटी है। छोड़े, जो मुझे करना चाहिए जो निकलो। तमाशा लगा हुआ है यहाँ पे, पापा हो जाए, पागल हो गई है ये, किसी पागल खाने में पागल हो गई है ये। चली जाओ यहाँ से, पागल हो गई है ये, पागल हो गई है, तरस जाओगी अपनी बच्ची को देखने के लिए। रुस्वा होगे तुम, मेरी आ लगेगी तुम्हें, मेरी बदवा लगेगी। मैं तुम्हें पूरे जमाने में जलील और रुस्वा करूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मम्मी छोड़े यहाँ से, तुमने मेरी गोद उजाड़ी है, मैं तुम्हें माफ भी करूंगी। अब कानून की इंतजार में बात होगी तुमसे। छोड़े बाबा, अल्लाह देख रहा है, ठीक तो बाबा, अल्लाह देख रहा है, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। छोड़ नहीं दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा आपको, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शीरी, मैं जरा बिजली वालों के दफ्तर जा रहा हूँ, देखो फिर यूनिट ज्यादा लगा के भेज दिए, पता नहीं कब ठीक होगा हमारे मुल्क का निजाम। जो लोग कुंडा लगा के बिजली इस्तेमाल करते हैं वो सुकून में रहते हैं, और हम जैसे लोग जो वक्त पर ईमानदारी से बिल अदा करते उन्हें इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। हाँ तो अच्छी बात है ना, चोरी करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। भाभी को किराया दे दिया? ओहो भूल गई, शाम को जाके दे आऊंगी। ऐसा करते हैं, साथ चलते हैं, मुलाकात भी कर लेंगे और किराया भी दे देंगे। चले ठीक है, थोड़ा सा काम रहता है ये खत्म कर लो, फिर साथ चलते हैं। देखो किसी सड़कों पे घसीटूंगी मैं इसको, इसका किया इसकी बेटियों के आगे आएगा इंशाल्लाह। मेरी बद्दुआ है, इसको ज़लील कर दूंगी, इसका कुछ नहीं रहेगा, इसकी औलाद इससे नफरत करेगी, मैं इसको तबाह कर दूंगी, इस दुनिया से इसका नाम और निशान मिट जाएगा, इसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसका कुछ नहीं रहेगा, मैं इसको खत्म करके छोड़ूंगी। तबाह कर दूंगी मैं, देखो मैं क्या करती हूँ।
नजीरा बेगम साहिबा कहाँ? जी वो अपने कमरे में है। बीबी जी वो बेगम साहिबा ने मना किया है कि कोई उनके कमरे में ना जाए। क्या मतलब? लेकिन क्यों? जी वो बेगम साहिबा ने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो दवाई खाकर सो रही हैं। तो उन्होंने कहा था उनको कोई भी तंग ना करे और कोई भी उनके कमरे में ना आए। मुझे भी मना किया उन्होंने? उन्होंने कहा है कि आप हो या फिर फरहान साहब कोई भी ना आए। फरहान साहब घर पर होंगे तो आएंगे ना? जी कुछ नहीं, जाओ तुम। जी ठीक है। मेरी बच्ची का कातिल मेरे सामने था और मैं पहचान नहीं पाई। क्या सोचती होगी वो? कम अकल माँ है उसकी कि उस तक पहुंच ही नहीं सकी। हम मासूमा को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। वो कातिल ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकेगा। हाय मेरी मासूमा, बर्दाश्त किया होगा उसने, कितना बुलाया होगा मुझे, उसने नहीं जा सकी, मैं उसको बचा नहीं सकी। मैंने आपको कहा था ना, मेरी बच्ची वही है उस घर में, उसी घर में, कहीं और जा नहीं सकती। आपने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हौसला रखे भाभी, मैं क्या करूं शीरी, मैं क्या करूं? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ये सब हमीद भाई ने किया। भाई मत कहे उसे, हैवान है हैवान। ये शायद हम सब की नजरों की कमजोरी थी कि इतनी सामने की बात नहीं समझ पाए, या फिर उस इंसान पर हमने जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया और वही मार खा गए। मुझे तो मान पे हैरत होती है। इसमें मान का क्या कसूर है? जो उसके माँ बाप उसे मंजर दिखाते रहे वो तो वही देखता रहा। मान का भी कसूर है, उसने मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया। क्या मेरी कोई हैसियत नहीं थी उसकी नजर में? मुझे तो आमना भाभी पे भी हैरत है। बेटा मान तो इस सारी बात से अनजान था। मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए बस। मेरी मासूमा के साथ इंसाफ होना चाहिए। जरूर मिलेगा भाभी, जरूर मिलेगा, इसी दुनिया में मिलेगा। क्या हुआ जोजो? मेरे खुदाया इतना तेज बुखार। चलो उठो बच्चा, मैं आपको डॉक्टर के ले जाऊं। उठ जाओ ना, इस तरह ठीक थोड़ी होगी। जोजो क्यों तंग कर रही हो बेटा, उठ जाओ। मान बेटा जोजो को बहुत सख्त बुखार हो गया, कोई डॉक्टर ले आओ। चलें फिर, आप इसके पास बैठे, मैं उसे डॉक्टर के ले जाता हूँ। नहीं बहुत जिद कर रही है, डॉक्टर घर ले आओ। अच्छा चलें डॉक्टर को ले आता हूँ। मेरा उस घर से रिश्ता आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा। या अल्लाह, घर वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ आपकी गलत फहमी है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ अपने घर वालों को, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ आपकी गलत फहमी है। आप सजा दिलवाने की तैयारी करें। कौन है कातिल? हमीद। जाए ना दिल से अब जुदा।
मैंने ये दवाइयाँ लिख दी हैं, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा, अगर जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आई प्लीज। कैसी तबीयत है मेरी जान? सर्दी लग रही है। आशा भी ठीक हो जाओगी, सोचा क्या हुआ मेरी बेटी को? मैं हूं ना आपके पास। बुखार है। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने क्या किया मासूमा के साथ? उसकी जान ले ली थी। मेरे पास जी मेरी जान, मैं आपके पास हूँ। मामा है ना पास, आप प्लीज चले जाएं यहाँ से। क्या कर रही होगी वो मेरी बच्ची? माँ ने कैसे छीन ली मुझसे? बहुत छोटी है वो तो, कैसे रहेगी मेरे बगैर? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मान कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा। भरोसा वहीं टूटता है जिन सोचा भी नहीं होता। अब हम क्या करेंगे? हमीद को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मेरा उस घर से रिश्ता आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा। या अल्लाह। मासूमा? कौन? कौन है? मासूमा? क्या बात है, मुझे पागलखाने में जमा करवाने के लिए आए हो? सिर्फ इतना बताने आया हूं कि अगर आपने मेरे बाबा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की और हमें किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ा तो खुदा की कसम खड़े खड़े तलाक दे दूंगा इसे। लेकिन जो रवे था
इबलीस का गुलाम चखता है हर गुनाह की लज्जत को सुबह शाम लेकिन जो रब्बे काबा की रस्सी को थाम ले उसके लिए रज़ा इलाही है हर मकाम काटूं तो कैसे काटूं जिंदगी निगोड़ी ए अल्लाह मुझे माफ कर दे मैं अपने जुर्म पे बहुत नादिम हूं बख्श दे मुझे मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया काटूं तो कैसे काटूं जिंदगी में घोड़ी तेरे बिना है रूखी ममता की झोली तेरे बिना है फीकी ममता मेरी मैं हूँ मजबूर तुझसे हूँ फरहान कल रात कहाँ थे आप मैंने आपको इतनी कॉल्स की आपका नंबर भी बंद जा रहा था एटलीस्ट आपको एक बार मुझे बताना तो चाहिए था कि आपने रात को घर नहीं आना अब थे किसके साथ फरहान कहीं आप उसके साथ सही सोचा तुमने कल रात में उसी के साथ फरहान वो गैर औरत है वो कोई गैर औरत नहीं है भाई मेरी बीवी है मेरे बच्चे की माँ कैसी बात कर रहे हैं आप आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं मैं बस हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें अपनी बीवी को उसका जायज हक देना चाहता हूँ अपने बच्चे को पहचान देना चाहते आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं तो मेरा क्या मकाम है आपकी जिंदगी में एक बात बताऊं मैं मैंने कभी भी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं वो तो शादी मैंने मजबूरी में की थी पर तुम्हें कभी कबूल नहीं कर पाया एक पल के लिए मिली और वैसे भी ये शादी एक मजबूरी का सौदा था जो मैंने अपनी माँ की खातिर किया लेकिन अब बर्दाश्त नहीं कर सकता आज नहीं तो कल ये सब कुछ होना ही था और पिछले दिनों तुम्हारे माँ बाप के घर पे जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर ही नहीं सकता मेरी बात सुने आप उसमें मेरा क्या कसूर है या मेरे घर वालों का क्या कसूर है मैं जानती हूँ अपने घर वालों को वो ऐसे नहीं है तो किसी ने अपना जुर्म छुपाने के लिए हमारे घर में लाश दफना दी थी मैं जानती हूँ मेरे घर वाले ऐसा कभी बाहर हाल जो भी है मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता सवेरा बीबी माशरे में हमारा मुकाम है नाम है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि कोई मेरे नाम को इस तरह से बदनाम करे मैं जानती हूँ मेरे घर वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया वो सिर्फ आपकी गलत फहमी है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ अपने घर वालों को वो कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ आपकी गलत फहमी है फरहान ये क्या है तलाकनामा Oh,
रामिना क्या हुआ, कहीं जा रही हैं आप? हाँ मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, तुम शीरिन के पास बैठो जाके। क्यों, कहाँ जा रही है? पुलिस स्टेशन। मैं भी चलती हूँ। जरूरत नहीं है मोमिना, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं मैं चलती हूँ। तुम घर पे रुको, देर हो जाए तो परेशान मत होना। क्यों, और कहाँ जाएंगी आप? और कहाँ जाऊंगी, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये क्या है? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? ये फाइल तो मैंने बॉस को दी थी, तुम्हारे पास कैसे आई? बॉस ने मुझे दी और वो बहुत सख्त गुस्से में। क्यों? फाइल देख लो, तुम्हें अपने क्यों का मतलब चल जाएगा। देख ली अपनी कारकर्दगी। सॉरी यार। सॉरी मुझे नहीं, बॉस को जाके कहो। वैसे मान कोई परेशानी है? अब नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। क्योंकि ये परेशानी पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, और आज इस फाइल को देखने के बाद मुझे तो पक्का यकीन हो गया कि जरूर कोई ना कोई बात तो है, वरना तुम्हारा काम तो परफेक्शन का मुंह बोलता सबूत है, और आज ये सब। ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रस्ट मी, वो सर में दर्द रहता है स्ट्रंगल, तो एक घंटे का काम है मेरे लिए, इसमें ऐसी कौन सी बात है। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेते, मैं बस अभी हाँ आधे घंटे में करके ले आता हूँ। वालेकुम सलाम। आइए हजरत साहिबा। हजरत साहिबा, हम आपकी बेटी के केस पर दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि हम अब तक आपके मुजरिम को ढूंढ नहीं सके, लेकिन आप यकीन रखिए हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। प्लीज आप बैठिए। मुजरिम को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। उसका पता चल चुका है। क्या? आप सजा दिलवाने की तैयारी करें। कौन है कातिल? हमीद। ये आप कैसे कह सकती हैं? उसने खुद एतराफ किया। उसने खुद इस बात का एतराफ किया? उसने अपनी बीवी के आगे एतराफ किया है कि उसने मेरी बच्ची के साथ ये बात मेरी बड़ी बेटी मोमिना ने सुन ली थी। क्या उनकी मिसेस गवाही देंगी? यही तो अफसोस है, एक बीवी के आगे एक औरत हार गई, एक माँ हार गई, वो माँ जो कोख में छुपा के रखती है बच्ची को, दर्द सह के पैदा करती है और जिंदगी भर उसे दुखों से बचाने की दुआएं करती है, तो माँ एक खुद गर्ज औरत बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो आपके हक में गवाही नहीं दे, फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल हो जाएगी सर? मुजरिम आपके सामने है, उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। ठीक है, हम उसे पेश भी कर देंगे, लेकिन पहले ही पेशी में आप केस हार जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो इस जमानत पर है और हमारे पास ना कोई गवाह है और ना सबूत। आप थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिए कि आप डायरेक्ट FIR कटवाएंगे, उसकी जमानत कैंसिल भी हो जाएगी, लेकिन अदालत तो फिर भी गवाह और सबूत मांगेगी, वो हम कहां से लाएंगे? ये ढूंढना तो आपका काम है सर। बेशक वो हमारा काम है, लेकिन माजरत के साथ आपको फिर भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
कितना और इंतजार करें? 3 साल हो गए हमें इंतजार करते हुए, अभी भी आप कह रहे हैं कि और इंतजार करें? क्या पुलिस इस मामले में बिल्कुल बेख्तियार है? इस माशरे में इंसाफ हासिल करना क्या पहाड़ सर करने के बराबर हो गया है? क्यों एक मुजरिम एक भयानक जुर्म करने के बाद भी आजाद घूमता है, पकड़े जाने का कोई खौफ नहीं है उसे? कानून की आंखों पे बंदी पट्टी कौन उतारेगा? सारा माशरा अंधा बन के दामक दुनिया ले रहा है, फिर भी कानून को कुछ नजर नहीं आ रहा। शहर जंगल बन गया है, बच्चियों को भेड़िए खा गए, फिर भी कोई परेशान हाल नहीं। क्या बात है मोमिना, क्यों परेशान हो? सब खैरियत है? भाभी वो अम्मी को गए हुए 3 घंटे हो गए, अभी तक वापस नहीं आई। बहुत घबराहट हो रही है मुझे। आ जाएंगी, तो परेशान मत हो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सब हो जाएगा। अगर सबको सब कुछ पता लग गया तो मैं तो फांसी चढ़ जाऊंगा। कितनी बदनामी होगी, मेरे बच्चे, मेरा मान। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा मान मेरे साथ है। वो कभी भी अज़रा की इन बातों पे यकीन नहीं करेगा। साथ देगा वो मेरा, बचा लेगा, लेकिन अज़रा सबको सब कुछ बता देगी। सवेरा अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, बहुत याद कर रहे थे हम लोग। क्या हुआ सब, खैरियत है तुम? क्या हुआ, क्या है? रो क्यों, इधर देखो, रो क्यों रही हो? हाँ कहाँ है फरहान, कहाँ है, क्या हुआ है? हाँ सर, आपने मुझे तलाक दे दी। मेरी आ लगेगी तुम्हें, मेरी बदबू लगेगी। शुरू कर देते हो, वक्त मेरी बच्ची।